नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा। करने की बात तो बहुत दूर रह गई, क्योंकि अक्सर ऐसे उपाय शास्त्रों में या पुराणों में मिलते हैं जिनका वर्णन बहुत कम लोग करते हैं या करते ही नहीं हैं। यह जो उपाय लिया गया है नारद पुराण से लिया गया है, क्योंकि अपनी तरफ से मैं कोई उपाय नहीं बताता जहाँ पुराणों में, शास्त्रों में, बुक्स में, धार्मिक बुक्स में जो भी कुछ होता है वह आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो मैंने आपको कहा है इसके बाद आपको कॉपी पेस्ट होकर के ही ये मिलेगा यूट्यूब में। इसके अलावा ये मान के चलें पूरे यूट्यूब आप छान लें, आपको यह उपाय कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं सुनाई देगा। लेकिन आज जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको, जो उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय इसके बाद धीरे धीरे आपको दिख जाएगा अलग अलग चैनलों में। तो यह मान के चलें कि आज मैं आपको यह उपाय नहीं दे रहा, आपको अलादीन का चिराग दे रहा हूँ जो तुरंत अपना चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में दिखाना शुरू कर देगा। आज के समय में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है और वह खुश रहना चाहता है। खुशी तभी ही होती है जब व्यक्ति के कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कार्य पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने सही तरीके से अपना जीवन को याचन शुरू करना शुरू कर देता है। आज का जो उपाय है यह कोई भी कर सकता है। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, व्यापारी कर सकते हैं, नौकरी सर्विस वाले कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन में इसका प्रभाव स्वयं आप देख सकते हैं कि इसका कितना गहरा संबंध है धन से, लक्ष्मी से, वशीकरण से भी इसका संबंध है। लेकिन यहाँ पर मैं उसी की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर केवल जिनको धन की माया की ज़रूरत है, जिनको अपने जीवन में चाहिए कि वह अपने जीवन को लग्जरी बना सकें, उनके लिए यह उपाय है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज का वह उपाय शुरू करने जा रहा हूँ। बिना स्किप किए हुए वीडियो को सुने, देखें और इसका लाभ स्वयं अपने जीवन में देखें। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यह उपाय सबसे पहले ये ध्यान रखें, जिस दिन शुरू करना है बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। कई बार हम कोई उपाय शुरू करते हैं, हम दिन नहीं देखते, विचार नहीं करते, जिस दिन YouTube में सुना उसी दिन शुरू कर दिया। तो ऐसा कभी ना करें, दिन का बहुत बड़ा विचार होता है। यह उपाय आपको या तो मंगलवार को शुरू करना है यानी स्टार्टिंग करनी है, या फिर शुक्रवार से स्टार्ट करना है आपको। दोनों में से किसी दिन भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपने करना क्या है, मंगलवार हो या शुक्रवार हो, आपने एक मिट्टी की हांडी या कोई छोटा सा पात्र मिट्टी का होना चाहिए, जो मिट्टी का ये बनाते हैं, मिट्टी वाले जो बर्तन बनाते हैं उनके पास से बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। क्योंकि मिट्टी की बनी हुई चीज़, मिट्टी का बर्तन किसको रिप्रेजेंट करता है, मंगल ग्रह को। और मंगल क्या है, अग्नि तत्व। अब इसमें आपको क्या डालना है, इसको पहले धो लें, वॉश कर लें अच्छे प्रकार से, ताकि मिट्टी उसमें जो मैं आगे चीज़ बताने जा रहा हूँ उसमें मिट्टी ना लग सके इसकी। इसलिए पहले धो के 10 मिनट इसको रख दें। 10 मिनट बाद यह उपाय आप मंगलवार, शुक्रवार किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन करना उसी दिन से शुरू है आपको। अब उसमें आपको जो दही होती है दही डाल देनी है, जितनी आवश्यकता है आपको आधा पात्र भर दें, पूरा पात्र भरना, पूरा पात्र भर दें। अब उस दही में आपको दूसरी चीज़ जो डालनी है वह डालना है शहद। शहद को खोल करके आप उसके बीच में मिक्स कर दें, दूसरी चीज़ होगी शहद। अब तीसरे नंबर में एक मार्केट में खांड आती है जो बूरा कहते हैं, सफ़ेद रंग का, देसी खांड भी इसको कह देते हैं, सफ़ेद रंग का बूरा पाउडर टाइप शेप में होता है वह। एक तो चीनी होती है मोटे दाने वाली, यह बारीक खांड होती है सफ़ेद रंग की। तो इसको कम से कम 3 या 4 चम्मच या 2 चम्मच अपने उस दही के ऊपर, शहद के ऊपर डाल दें। अब तीनों चीज़ों को आपने किसी चम्मच इत्यादि से उसको मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि ये मिक्स हो चुका है, अब उसके बाद थोड़ा सा आपने डालना है उसके अंदर बिल्कुल शुद्ध घी, दो चार ड्रॉप्स डाल दें चाहे आधा चम्मच डाल दें, थोड़ा सा भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। अब थोड़ा सा डाल दें आप इसमें हल्का सा, यदि गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल डाल दें, या फिर दूध, कच्चा दूध उसमें मिक्स कर सकते हैं आप। अब कुल मिलाकर के ये क्या चीज़ बनेगी, कच्चा दूध हो गया, दही होगी, शहद हो गया, देसी खांड होगी, और इसके अलावा घी हो गया। अब इसमें जो चीज़ें हैं, चंद्रमा यानी कच्चा दूध, मंगल का यानी शहद, देसी खांड यानी मंगल ग्रह, दही यानी शुक्र ग्रह, तो ये सब चीज़ें, घी यानी शुक्र, ये सब चीज़ें आपने मिश्रण कर दिया है। अब मंगल के साथ शुक्र को आपने मिक्स कर दिया है, चंद्रमा को भी मिक्स कर दिया है। चंद्रमा होता है हमारा मन, मंगल होता है हमारा रक्त, और शुक्र होती है हमारी खुशी। इन तीनों चीज़ों को जब आपने मिक्स कर दिया मंगल के पात्र में यानी मिट्टी के पात्र में, अब उसको मिक्स करने के बाद ये दो फिंगर आपने मिलानी है, अनामिका यानी रिंग फिंगर और ये अंगूठा अपने राइट हैंड का। राइट हैंड ही यूज़ करना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। राइट हैंड से आपने 5 बार उसके अंदर दही में डाल करके इस प्रकार से घुमा देना है। घुमाते समय आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है, या अपनी जो भी मन की कामना है वह बोलनी है। आप धन चाहते हैं तो ये बोले, हे महालक्ष्मी कृपा करें। आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, हे इष्ट देवता मेरे व्यापार में वृद्धि करें। जो भी आपकी मनोकामना है, अभी मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, वह मैं इसमें यूट्यूब में नहीं बताना चाहता, इसमें वशीकरण प्रयोग भी आ जाता है। यदि आप यहाँ पर किसी का नाम लेकर के भी इस प्रकार से 5 बार घुमाते हैं तो वह भी वशीभूत होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर गलत लेकर के ना जाएं। आप केवल धन के लिए प्रयोग करें, लक्ष्मी के लिए प्रयोग करें, अपने व्यापार के लिए करें, नौकरी सर्विस के लिए करें। अपार धन की चाह रखने वाले इस उपाय को अवश्य करें। 5 बार घुमाने के बाद एक काम आपको करना है, प्रतिदिन आपने उसी, वह चरणामृत बन चुका है एक तरह से, चरणामृत 5 अमृतों का चरणामृत, अब उसको आपने 5 बार अपने मुख में डालना है। ये तो मैं 2 वे से बता रहा हूँ, दोनों वे से करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा, 1 वे से करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। पहला जो रास्ता है इसका करने का, वह है जो आपने मिश्रण तैयार किया है उसमें से 1 चम्मच निकाल करके 5 बार अपने मुँह में डालें और उसको खा करके अपने काम में प्रतिदिन जाना शुरू कर दें, जिस काम में भी आप हैं। दूसरा वे है कि जब भी आप स्नान करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा कटोरी में निकाल करके ले जाएं, पात्र में से किसी कटोरी में निकाल करके उसको अपने बाथरूम इत्यादि में ले जाएं और अपने पूरी बॉडी में लगा करके उसके बाद स्नान करना शुरू कर दें। यह है दूसरा वे। यदि आप दोनों तरीके से करते हैं, यानी पहले स्नान करते हैं बाद में अपने काम में जाते समय उसको खा करके जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि आप हैरान होंगे कि मेरा जीवन ही बदल गया है। तो दोस्तों, यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, लाइक बटन जरूर दबा दें, और जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको विश्लेषण के चार्जेस बता दिए जाएंगे और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसी के साथ आज इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।